हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए टेस्ट नंबर 7 लगाने वाले हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 का है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा PDF के लिए कह रहे थे, PDF आप लोगों को आज या कल के डेट में मिल जाएगा। एग्ज़ाम का डेट काफ़ी पास है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट वगैरह लगाइए। बिहार सचिवालय के लिए PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या नहीं तो ABC अकेडमी लिख के बस आपको सर्च करना है, टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। ध्यान रखें, PDF जो है दे दिया जा रहा है, उसके लिए किसी भी तरह का डिमांड, मतलब पैसे वगैरह या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF सचिवालय के लिए मिलेगा। ध्यान रखें, सचिवालय के लिए PDF इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें जो मैथ्स का सवाल है उसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 75 के आसपास सवाल बता दिया जा रहा है। बाद बाकी जो 75 बचता है मैथ्स का, वो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लें। ABC एकेडमी पर जो क्लास दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयारी अच्छे से हो सके, उसी के लिए आपको PDF दिया जाता है। अगर मैथ्स बताया जाता तो ध्यान रखें, PDF फिर शायद नहीं भी दिया जाता। वैसे भी पहले से 150 प्लस PDF अवेलेबल है। जो भी लोग नए होंगे, प्लेलिस्ट आकर चेक करिए, PDF ढेर सारा है, लेकर के जम के अच्छे से तैयारी करिए। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 11 ऐसे देखते हैं। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त कर ली थी? सी राइट सही हो जाएगा यहाँ पे, सही जवाब नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में। ध्यान रखें यहाँ पे बलबन के बारे में कुछ बात, जैसे ना 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था सुल्तान नसीरुद्दीन से, इस अवसर पर उन्हें उलुग खां की उपाधि दी गई थी। 1266 में लुसेन का क्रास कल के डेट में दिया गया था, अगर ध्यान हो 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और इसी ने लोह और जो रक्त की नीति है, रक्त और लोह की नीति का नीति कही, इसी के द्वारा चालू किया गया था। आइए नंबर 12 देखते हैं। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले इन सब में से किसकी छाल पर लिखी जाती थी? भोजपत्र ए सही जवाब हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 14, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का ए हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा सही जवाब। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कहाँ पर? आगरा में कैद थे और शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था, इस बात का भी ध्यान जरूर रखेंगे। वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने इन समय से किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश के साथ। बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त इन समय से कहाँ के डिप्टी गवर्नर के द्वारा हुआ था? ए राइट आंसर, मुर्शीद कुली खां राइट आंसर। बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त मुर्शीद कुली खान डिप्टी गवर्नर के द्वारा हुआ था। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया था, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उसमें से नहीं थी, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखें, रेल तथा तार की जो शुरुआत है, आपको पता है ना रेल की शुरुआत कब हुई थी? डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने के बीच में चला था। 57 के समय आपको यहाँ पे राज अपहरण नीति है, अनेक शासकों की उपाधि तथा पेंशन की समाप्ति है, शैक्षिक सुधार है, ये सभी आपको ध्यान रखना है, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 19, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अकबर के समय में। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, DNA का बना होता है जीन्स। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? कौन सा शैवाल है जो समुद्र में मिलता है लेकिन काफी गहराई में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी भूरी शैवाल हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हींग प्राप्त होता है, बताइए कहाँ से होता है? नंबर 28, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हींग कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है।
निम्न में से किस संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा कह रहा है कि यहाँ पर सही है, ए पर ध्यान दें, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और अगर आप जानना चाहें, जैसे बर्ड फ्लू था ना, H5N1 जिसे कहा गया था, स्वाइन फ्लू था, हेपेटाइटिस है, मिजेल्स है, जापानी जो इंसेफेलाइटिस है, इन सब विषाणु से संबंधित कहिए कि यहाँ पे आप कह सकते हैं गहन अनुसंधान केंद्र के रूप में यह है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग लखनऊ दिया हुआ है जो कि गलत है, संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में नहीं है। औषधि जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है या कहाँ पर है, यह हो जाएगा लखनऊ में। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान पूछेगा तो ये आपको मुंबई ना करके यहाँ पे हैदराबाद बताना है, औषधि के लिए पूछेगा तो लखनऊ आराम से जाना है, ठीक है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान पूछेगा, इसके लिए आपको नई दिल्ली बताना होता है। और ये नंबर सही मैच किया हुआ है, नंबर 30 पर आ जाइए। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, सेल ईएमएफ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जो है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर है जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मराठा और अफगानिस्तान के जो शासक अहमद शाह दुर्रानी थे, इनके बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई 41, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हर सेट में कोशिश किया जाता है एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ने का, आप लोग को जवाब पता हो जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट करते हैं, लगता है कि हम आप लोग काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं और अच्छे से आपका तैयारी भी है। काफ़ी लोग गलत भी कमेंट करते हैं, जब जवाब बताना होता है नेक्स्ट सेट में आपको इसका जवाब ज़रूर बता दिया जाएगा। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था कब, 1956 में, सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र क्या था, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। 193 देश शामिल हैं, 193वें नंबर का देश दक्षिणी सूडान, ध्यान रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, ये हो जाएगा 301 को किया है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। 57 में कही गई है बात, इसे आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 55 में क्या है, इसमें ना राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, 53 के तहत ध्यान रखें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में रहती है। 74 के बारे में याद रखें, इसके तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। और अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हुआ करते हैं। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 11। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के तात्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, राइट आंसर है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1864 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य बने थे, सवाल को समझ गए, 1864 में कहा है भारतीय लोक सेवक जो लोक सेवा आयोग थे इसके मतलब पहले सदस्य के रूप में, यहाँ पे आपको नंबर डी सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी ध्यान रख लेना है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना होता है। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ पर की गई थी, सी राइट आंसर मद्रास में। नंबर 56 गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, 56 का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ताप के घटने पर होती है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है बताएं, नंबर सी, इसमें
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। यह कथन सही है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में बात कही गई है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? यहाँ पे आपको डी नायलॉन 6 आपको ध्यान रख लेना होता है। इनमें से कौन सी दवा एक पीराहारी है? पीराहारी मतलब दर्द को कहिए कि जो कम करने वाला होता है। तो ये आपका ना नोवल जीन सही जवाब हो जाएगा। नोवल जीन के बारे में आपको याद रखना है कि है ना एक पीराहारी दवा है। नंबर 60 के बाद हम आवाज 71 पर। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, इन समय से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सवाल को समझिए, पहला वाणिज्यिक बैंक के बारे में पूछा है। पूर्व जो पूर्ण इसका स्वामित्व है ना, यानी कि जो पूरा मालिक है, ये भारतीय के हाथ में थे। वर्ष 1911 डी हो जाएगा सही जवाब, 1911 में स्थापित किया गया था। अच्छा, 1911 में कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथ में हुआ करता था। इस बैंक के पहले अध्यक्ष भी आपसे अगर पूछ ले, हंसते खेलते बता देना है अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे और स्थापना 1911 में हुआ था। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है बताएं? महत्वपूर्ण क्या नहीं है? सामाजिक समानता, सामंजस्य की भावना, सार्वजनिक सफाई है, सुसज्जित भवन की जरूरत नहीं होती है। डी आपको टिक करना है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा जमा अनुपात के नाम से जाना जाता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को इन समय से क्या कहा जाता है? 74 का ए राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट माल्थस को जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताइए। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी 132वां बता देना है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोर मिट्टी से। कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में पूछा ना, तो आपको पालकोंडा पहाड़ी ए राइट आंसर बताना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताएं? अरब सागर में सी सही जवाब, नर्मदा हो जाएगा। और यह अमरकंटक की चोटी से निकलती है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से ध्यान रखना है। आ जाइए नंबर 86 पर। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? सी राइट आंसर यहाँ पे होगा, महाधमनी में। पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? सवाल है कि पादप विषाणु में नॉर्मली क्या पाया जाता है? सी आरएनए होगा सही जवाब। संचरणीय रोग का मुख्य कारण बताइए क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मक्खी की वजह से संचरणीय रोग होता है। कैक्टस में जो सूल है ये किसका रूपांतरण है? ये आपका पत्ते का होता है। कैक्टस में जो सूल होता है ना, ये ना पत्ते का रूपांतरण होता है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाता है कैसा पौधा है, तो आवृत बीजी आपको बताना होता है। आवृत बीजी आपको यहाँ पे आराम से बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन होता है ना, क्यों होता है याद करिए, सोडियम क्लोराइड के वजह से यह होता है डिहाइड्रेशन को, निर्जलीकरण के नाम से भी आप जानते हैं। यह कब होता है? जब शरीर में ना पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ की कमी होने लगती है, तो ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 103 पर। इन सब में से बताइए कौन और ताप्ती नदियों के एक दूसरे के लगभग समानांतर हैं? यहाँ पे ऑप्शन सी पर ध्यान दें,
जैसे नर्मदा है ना, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा जो है सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है वहाँ का एक है मुल्ताई नामक जगह, इसी के पास से सतपुड़ा श्रेणी से ये निकलती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग इन सब में से कहाँ पर स्थित क्षेत्र है? सी सही जवाब 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। इथोपिया की राजधानी का नाम बताएं, ऑप्शन नंबर डी अदिस अबाबा है इथोपिया की राजधानी। इथोपिया का ही पुराना नाम अबिसिनिया था, यह अफ्रीकी देश है। ब्रिज टाउन है ना, इसके बारे में याद करिए। तो ध्यान रखें बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। कनाडा की राजधानी पूछेगा तो ये ओटावा है। स्लोवाक की राजधानी ये जो आपका जुबलजाना है, यह सही जवाब हो जाएगा। स्लोवेनिया का ये राजधानी है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश का नाम, ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सलाल के लिए आपको चिनाब बताना है, ए सही जवाब। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में इन सब में से कहाँ पर किया गया था? सी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में किया गया था। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पर आपको ध्यान देकर बताना है? तो यहाँ पर अदरक के लिए प्रकंड, प्याज के लिए मांसलपर्ण, आलू के लिए कह रहा है मूल, आलू मूल गलत है, आलू के लिए आपको कंद यहाँ पे बताना है, नारियल के लिए आपको भ्रूणपोष सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। पीत पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संगति है? बी राइट आंसर अंडाशय की। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? रुधिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन की ये ना स्रोत होता है। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिजली प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं? ए हवा का दबाव सही जवाब हो जाएगा, 131। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है बताइए? कुश्ती तो है लेकिन सूमो कुश्ती पूछा है, यहाँ पे आपको भी बताना है जापान से इसकी शुरुआत हुई है। विश्व में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक का नाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। यह जो टूर्नामेंट है ना केडी जाधव स्टेडियम नई दिल्ली है, यहीं पर हुई थी। 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीटी उषा, डी सही जवाब। 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब्देल फतेह अलसीसी सही जवाब है। 25 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप के सभी 5 संस्करण में गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? रोनाल्डो, ए सही जवाब। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? सी राइट आंसर 121वां स्थान रहा। 23 नवंबर 2022 को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी राइट आंसर रवि कुमार सागर को। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम, ऑप्शन नंबर बी है, एल के आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। अब आ जाइए नंबर 146 पर। परिवर्तनीय संयोजकता इन सब में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बताना है कि लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं, कितने? सी सही जवाब 6। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6-7 लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स की संख्या है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है।
बी राइट आंसर शून्य होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु का नाम मतलब बताना है कितना होता है, ये आपको 100 डिग्री बताना है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, क्या शामिल है बताइए। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, सही जवाब। एक साधारण आवर्धक ग्लास छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस में शामिल है, यह सही है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की जो लंबाई है और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, इस तरीके से मतलब एम लिख कर, किस तरह से। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता पूछा जाता है, कैसा होता है? तो याद रखेंगे, दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ जल्द ही।